ये कैसी समानता की लड़ाई, पुरुष की होगी गोद भराई। आदमी ने दिया बच्चे को जन्म, फिर भी नहीं कोई गम। विदेशों में होता था ऐसा मामला, भारत में भी चल पड़ा। कलयुग में ये किस तरह का शोर, चर्चा हो रही चहु और। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। ये गीत 1954 में हिंदी फिल्म नास्तिक का है, जिसे कवि और गीतकार प्रदीप ने लिखा था। आज कलयुग के युग में बदलने की होड़ मची है, हर कोई खुद को बदलना चाहता है, लेकिन इस बदलने की रेस में हम घोर कलयुग की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। भारत को छोड़ दूसरे देशों में जो घटनाएं हो रही हैं, अब भारत में भी कुछ ऐसा ही होने लगा है। बढ़ती आबादी की ओर दुनिया और देश तेजी से चले आ रहे हैं। ऐसा नहीं है इसका असर आने वाली पीढ़ियों तक ही रहेगा, कलयुग के बाकी 4 लाख से ज्यादा के सालों में भी ये एक संदेश है। अक्सर सुना होगा कि केरल जैसे राज्य से कभी ऐसी खबरें आ जाती हैं जो दूसरे राज्यों से बिल्कुल अलग होती हैं। अब एक ऐसी ही खबर आई है जिससे भारत में पहली ऐसी घटना का अवार्ड दे दिया हो। जो भी सोच रहा है उसे यकीन नहीं हो रहा ये कैसे संभव है। अमेरिका जैसे देशों से ऐसी खबरों का आना तो लाजमी था, लेकिन भारत में भी ऐसा हो सकता है, इस पर लोगों को यकीन नहीं हो रहा। बच्चे को जन्म देने का दर्जा एक महिला को ईश्वर ने दिया है, और सभी जानते हैं कि महिला ही जन्मदाता होती है, लेकिन आज के वक्त में माजरा कुछ उल्टा ही चल रहा है। कहा जाता है कि आज के दौर में पुरुषों की तुलना में महिलाएं ज्यादा आगे निकल रही हैं, लेकिन जो काम पुरुष कर नहीं सकते थे सिर्फ महिलाएं कर सकती थी, अब वो भी पुरुष करने लगे हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि केरल में ऐसा क्या हुआ जिसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। केरल में एक ट्रांसजेंडर कपल माता पिता बना है। इस जोड़े ने हाल ही में प्रेगनेंसी की जानकारी भी शेयर की थी। ट्रांसजेंडर कपल के माता पिता बनने का ये देश में पहला मामला है। ट्रांस पार्टनर में से एक जिया पावल ने बताया कि सरकारी मेडिकल कॉलेज में ऑपरेशन के जरिए बच्चे को जन्म दिया है। पावल ने कहा कि जच्चा यानी जहाज और बच्चा दोनों स्वस्थ है। हालांकि कपल ने बच्चे की लैंगिक पहचान साझा करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि अभी वो इस बारे में जानकारी सार्वजनिक नहीं करना चाहते हैं। पावल ने पार्टनर जहाद के 8 महीने की प्रेग्नेंट होने की जानकारी इंस्टाग्राम पर शेयर की थी। ये कपल बीते 3 साल से साथ रह रहा है। इस ट्रांसजेंडर कपल ने जो किया है, मीडिया जगत में भी खबरें सुर्खियों में हैं। बेबी लड़का है या लड़की, कपल इसका खुलासा भी करने को तैयार नहीं। ट्रांसजेंडर कपल ने तय किया है कि जब उनका बच्चा बड़ा होगा तब वो खुद बताएगा कि उसका लिंग क्या है। कपल के इस फैसले के पीछे भी बहुत बड़ा मैसेज देखा जा रहा है, क्योंकि देश में आज भी कई इलाके ऐसे हैं जहां ट्रांसजेंडर का नाम सुनते ही लोग हंसने लगते हैं। ऐसे में कपल ने अपने प्लानिंग में ये फैसला किया है। आप सोच रहे होंगे कि कपल ने बच्चे की प्लानिंग क्यों की। अगर बच्चे की प्लानिंग थी तो अडॉप्ट भी कर सकते थे, लेकिन इस बात का भी कपल ने खुलासा किया है कि वो क्यों बच्चे को जन्म देना चाहते थे। उन्होंने शुरू में गोद लेने की योजना बनाई थी, लेकिन कानूनी प्रक्रिया कठिन थी, इसकी वजह से प्लानिंग में बदलाव लाया। ये भी चिंता थी कि अगर उनके द्वारा पाले गए बच्चे ने बड़ा होने पर उन्हें छोड़ दिया तो वो बिखर जाएंगे, इसलिए खुद ट्रांस कपल ने बच्चे को जन्म देने का फैसला किया। आपको बता दें कि जिया पावल कोझिकोड की रहने वाली हैं और जहाज तिरुवनंतपुरम से हैं। दोनों ने अपनी ट्रांसजेंडर पहचान पता चलने के बाद अपने परिवार को छोड़ दिया और अब बच्चे को जन्म दिया है।